हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं करंट अफेयर जनवरी का। करंट अफेयर 7 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य ने सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो अभी अभी हाल ही में हमारी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर जो है तेलंगाना की दर्ज हुई है। ठीक है, सबसे कम बेरोजगारी दर का मतलब है जो है सबसे कम किसकी है, सबसे कम बेरोजगारी दर जो है 0.7% तेलंगाना की है, और उससे ज़्यादा किसकी है, हरियाणा की है, 23 पॉइंट समथिंग किसकी है, हरियाणा की है। फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं, सबसे भारत की जो बेरोजगारी दर हो क्या है, 6.57%। तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जो तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सुंदर राजन। क्या है, तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और जो इसकी राजधानी है वो कहाँ है, हैदराबाद। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना में कितने ज़िले टोटल अब तक हैं, अब तक 33 ज़िले बन चुके हैं। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 119। विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं, 43 हैं। ठीक, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की जो है 17 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है, जो है 7 सीटें। राज्यसभा की तेलंगाना में कितनी टोटल सीटें हैं, 7 है। और तेलंगाना का निर्माण जो है, मतलब नया राज्य बना जो भारत का, कौन सा एक नया 28वां राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ, कब हुआ, इसका निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट करके इसका निर्माण किया गया है। ओके, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे हम तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान का है एक मृगवाणी नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मृगवाणी नेशनल पार्क। कहाँ है, तेलंगाना में। महावीर नेशनल पार्क कहाँ भी है, तेलंगाना में। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ, तेलंगाना में। वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ, तेलंगाना। अब हम आते हैं कुछ तेलंगाना के उत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं। तेलंगाना का उत्सव मतलब तेलंगाना के महोत्सव कौन कौन, फूलों का महोत्सव, एक फूलों को महोत्सव के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में ही मनाया जाता है उसे, बतुकम्बा को फूलों का महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। उगादि महोत्सव भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। मेद्रम यात्रा महोत्सव तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तेलंगाना का लोक नृत्य क्या होता है, तेलंगाना के कुछ लोक नृत्य हैं जिसमें क्या है, लंबादी वहाँ का फेमस लोक नृत्य है तेलंगाना का। पेरनी भी एक क्या है, लोक नृत्य है, भी क्या है, बहुत फेमस लोक नृत्य है। और फिर है गुशादी लोक नृत्य हो गया, रेला नृत्य हो गया, ये सब कहाँ के हैं, तेलंगाना के ही लोक नृत्य हैं, जैसे लंबादी रेला गुशादी पेरेनी सिउ तांडवम या लंबादी भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है कुछ स्थान हैं जो हैदराबाद में स्थित हैं। हैदराबाद के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे चार मीनार हमारा क्या हो गया, चार मीनार जो हमारा हैदराबाद में स्थित है। मक्का मस्जिद कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। सलाजक संग्रहालय कहाँ है, गोलकुंडा में स्थित है। सलाजक संग्रहालय कहाँ, तेलंगाना जो है इसे ऑपरेशन पोलो के तहत जो भारत में शामिल किया गया था, तेलंगाना को ऑपरेशन पोलो के तहत। हैदराबाद में ही हमारी एक यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल हुई है जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है, जिसे कार्तिकेय के राजा जो थे रुद्रेश्वर जी ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। जो है 39वीं विश्व धरोहर है ये। 40वां विश्व धरोहर जो है धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। अब तक टोटल
टोटल अब तक 40 विश्व धरोहर भारत की क्या हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं, 40 40, जिसमें क्या है 7 सांस्कृतिक हैं, 7 क्या सांस्कृतिक हैं, और 32 मतलब 32 और एक क्या है मिक्स्ड है, एक क्या है मिक्स है, मिक्स जो है वो कंचनजंगा है, एक मिक्स, 7 क्या है सांस्कृतिक और ये क्या है 32 जो है और एक, इतनी शामिल हो चुकी हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम, आगे है क्लैब जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम, आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्लैब जगन्नाथ स्वच्छ कार्यक्रम कौन सा राज्य लॉन्च किया है। क्लैब जगन्नाथ स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश में जो भारत का एक क्या है, भारत का 25वां हाई कोर्ट है, क्या है 25वां हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती क्या है राजधानी है। ठीक है, बस इतना ही याद करके रखना है हमको जो है, क्लैब जगन्ना स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था, और ये जो है मतलब यहाँ पे 25वां हाई कोर्ट स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी भारत ने हाल ही में जो है कल की न्यूज है जो है 1000वां अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला, किस स्टेडियम में खेला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, यहीं पे हमारे जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे इसी स्टेडियम में जो है, इसी स्टेडियम में जो 1000वें अंतर्राष्ट्रीय मैच के कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा हमारे 1000। भारत इसमें क्या करता है, विजेता बनता है, किसके खिलाफ होता है मैच, जो वेस्ट इंडीज इसमें हार जाती है। ठीक है, और इसमें जो है मैन ऑफ द मैच जो बनते हैं युजवेंद्र चहल जी बनते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया, कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। भारत ने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ, कप्तान उस समय मतलब टेस्ट मैच था, उसमें टेस्ट कैप्टन कौन थे, सी के नायडू जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1983 विश्व कप विजेता, जब हमारा 1983 में पहला विश्व कप जीता था भारत, तो उसमें कैप्टन कौन थे, कपिल देव जी की कप्तानी में ही भारत ने क्या किया था, ये वाला मैच जीता था। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना होगा, स्टैचू ऑफ पीस सुना होगा, लेकिन एक नया निर्माण अभी भारत में हुआ है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किसकी मतलब मूर्ति को स्थापित किया गया है, वहाँ पर जो है संत रामानुजमचार्य जी की, एक संत थे ना कि वो रामानुजाचार्य जो मैथ वाले गणितज्ञ थे उनकी मूर्ति नहीं है, संत रामानुजमचार्य जो हैदराबाद के क्या थे, एक संत थे। प्रधानमंत्री जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने इसका क्या किया, अनावरण किया। इसकी ऊंचाई जो है हमारी जो है 216 फीट है, इसकी ऊंचाई कितनी है 216 फीट है, इसकी ऊंचाई कितनी है 216 फीट है। अब देखिए स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में क्या है स्टैचू ऑफ पीस है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस हमारी कहाँ है, राजस्थान के पाली में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और एक इसकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या है मूर्ति है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है 182 मीटर। इसका निर्माण कौन कराया था स्टैचू ऑफ यूनिटी की राम सुतार। इसके जो आर्किटेक्ट कौन थे, राम सुतार जी थे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के कौन थे, राम सुतार जी थे। फिर जो हमारा
शीतकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक भी हाल ही में चल रहा है, वो कहाँ पे है, चीन की राजधानी बीजिंग में। कुछ कारणों की वजह से जो है गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसी के कारण भारत ने इसका क्या कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। गलवान घाटी में जो हुआ था उसी कारण भारत ने इसका क्या कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 में हुआ था, भारत ने इसका बहिष्कार किया है। सबसे पहला जो देश था, मतलब सबसे पहला देश जो रूस बना, रूस ने क्या किया, सबसे पहले बहिष्कार इसका किया था। भारत का एकमात्र खिलाड़ी जो आरिफ खान, जम्मू कश्मीर के हैं, कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। आरिफ खान कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और भारत का पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में फ्रांस वाला शीत ओलंपिक 1924 में कहाँ पे, फ्रांस में हुआ था। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। प्रथम स्थान जो टोक्यो ओलंपिक 2022 जो हुआ था, 2021 में जो 2020 का था लेकिन 2021 में हुआ था कोरोना कोविड के कारण जो है, इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका का। ठीक, द्वितीय स्थान चीन का, तृतीय स्थान जापान खुद था। ठीक, जापान था। तृतीय स्थान कौन था, जापान था। तृतीय स्थान कौन था, जापान था। ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन था, जापान। और भारत इसमें 48वें स्थान पे था 7 मेडल के साथ। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मैं तो अभी नया, मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, प्यार दें अपना जो है। धन्यवाद।